मैं बहुत घबराया हुआ था। पर आप मुझे पागल क्यों कहेंगे? मैं अपने पूरे होश हवास में था, सोचने समझने की शक्ति बरकरार थी, और तो और मेरी सुनने की क्षमता हद से ज्यादा तीव्र हो गई थी। फिर भला मैं पागल कैसे हो सकता हूं? सुनिए और देखिए कितनी सहजता से मैं आपको पूरी कहानी सुना सकता हूं। ये कहना काफी मुश्किल होगा कि ये विचार मेरे दिमाग में कैसे आया। अपने इस इरादे से मैं खुद बड़े असमंजस में था। एक अरसे से मैं उस बूढ़े आदमी के साथ रह रहा था। उसने कभी भी मेरे साथ बुरा नहीं किया। मेरे ख्याल से मुझे तकलीफ उसकी आंख से थी। हाँ, वो गिद्ध जैसी आंख मुझे बहुत चुभती थी। बस अब उस आंख से निजात पाना था। हर रात मैं उसे देखने जाता, बिल्कुल सतर्क, बिना किसी आहट के मैं उस दरवाजे को खोलता। ऐसा मैंने लगातार 7 रातों तक किया, पर वो आंख हमेशा बंद मिली। जाहिर है ऐसे में कुछ भी करना मुनासिब नहीं था, क्योंकि मेरे तकलीफ की वजह वो बूढ़ा नहीं, उसकी आंख थी। पूरे हफ्ते मैंने उसकी देखभाल की, उसका ध्यान रखा। समझदार होने के बावजूद वो मुझ पर अटूट भरोसा करता था। सवाल ही नहीं था कि उसे मेरी किसी भी हरकत में कोई छल, कोई खोट नजर आ जाए। आठवीं रात, मैं बीती हर रात से ज्यादा चौकन्ना था। बेशक मेरी सोच और तरीके दोनों अचूक थे, मुझे अपनी ताकत का पूरा एहसास था। वो आंख खुली थी। बूढ़ा कांपने लगा, पर वो आंख बेखौफ थी। और फिर अचानक एक धीमी, हल्की मगर फुर्तीली आवाज मेरे कानों में सुनाई दी। मैं जानता था ये उसके दिल की आवाज थी, पर अब वो मेरे कानों को खटकने लगी। वो आवाज बढ़ती जा रही थी। मुझे डर था कि पड़ोसी ये आवाज न सुन ले। बूढ़े आदमी का वक्त हो चुका था।
फिर सब कुछ स्थिर था और मैं आशा अगर आप अब भी मुझे पागल समझते हैं तो यकीनन आप अपनी राय बदलेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि कितनी बारीकी से मैंने अपने काम को अंजाम दिया। सबसे पहले मैंने उस लाश के टुकड़े की सिर को अलग करने के साथ ही मैंने हाथों और पैरों को भी काटा। और उसे बड़ी सफाई से वहां दफन कर दिया। कहिए। आपके घर से चीखने की कुछ आवाज सुनाई दी है। आपके पड़ोसी ने कंप्लेंट की है। मेरी थी, रात को बुरा सपना देखा था, चीख निकल गई। हाँ, बुरे सपने देखने से चीख निकलती है, मेरी भी निकलती है कभी कभी। वो आपके यहाँ दूसरे सज्जन है, वो कहाँ है? दिल्ली गए, एक हफ्ते में आ जाएंगे। अच्छा, दिल्ली गए? तो ठीक है, फिर दिल्ली आपके घर की तलाशी लेंगे। माफ कीजिए, इतनी रात को आपको तकलीफ दी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। गुड नाइट। चलें। गुड नाइट। सुनिए, चाय पी के जाइए ना। आपसे मैंने पहले ही कहा था कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन आप तो बाल की खाल निकालने लग जाते हैं। अरे ये लोग आते छूते हैं, मैं तो कई सालों से देखता आ रहा हूं। थैंक यू। थैंक यू। आप नहीं रहेंगे? जीना चाहिए। हाँ आके। दोनों पुलिस वालों को तसल्ली हो गई थी। वो मेरे हर जवाब से संतुष्ट थे और मैं अपने आप से बेहद खुश। आप इतने सीरियस क्यों रहते हो हमेशा? अरे थोड़ा सा हंसा करो, खून पड़ता है। अरे हमें आप ड्यूटी पे रहते हो, हमारी तरह रहा करो। अरे ड्यूटी भी हर टाइम तो ड्यूटी होती है। पर फिर एकाएक मुझे घबराहट हुई, मेरी देह पीली पड़ने लगी।
सिर भी भारी महसूस हो रहा था। एक तीखी कठोर आवाज कानों में गूंज रही थी, जैसे कपड़ों में छुपी किसी घड़ी की आवाज। नहीं, ये मेरा वहम नहीं था। वो आवाज कानों तक ही सीमित नहीं थी। वो आवाज तेज होती गई और तेज, और वो दोनों अब भी बैठे बातें कर रहे थे। क्या उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया? नहीं नहीं, सब दिखावा था, उन्हें शक था। वो बस मुझे तड़पाना चाहते थे, वहां बैठे मेरा मजाक बना रहे थे। और ये आवाज तेज और तेज। बंद करो, बंद करो दिल की आवाज को।